आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए। आपने सबको मौका देके देखा है, सबको मौका देके देखा है, लेकिन किसी ने ना आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। प्राइवेट स्कूल बने तो वो भी महंगे महंगे होते चले गए, सरकारी स्कूल तो बनवाए नहीं किसी ने। लेकिन आपके हरियाणा के बेटे केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने मौका दिया तो दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हो गए और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हो गई। आज आप देखिए जिन स्कूलों की ब्रांच फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में, उनकी दिल्ली में भी होगी बहुत सारी। केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों की फीस दिल्ली में नहीं बढ़ने दी, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में बढ़ा दी इनके नेताओं ने। हरियाणा के लाल केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया तो पंजाब के लोगों ने भी मौका दिया, दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया। वो तो आपके बीच से हैं, एक आम आदमी परिवार से हैं, आपके हरियाणा से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा का एक लाल निकल के दिल्ली में ऐसा कमाल करेगा कि पूरे देश में उनकी जय जयकार होगी कि भाई स्कूल बनाना तो केजरीवाल को आता है, अस्पताल बनाना तो केजरीवाल को आता है। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके बीच आके, लेकिन सोचना कि स्कूल कौन बना सकता है, अस्पताल कौन बना सकता है, नौकरी कौन दे सकता है, घरों में बिजली के बिल कौन कम कर सकता है, जीरो कौन कर सकता है, ये तो केजरीवाल ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। ये काम तो स्कूल अच्छे करने का काम, अस्पताल अच्छे करने, जीरो करने का काम तो केजरीवाल जी कर सकते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, फिर पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो वहां भगवंत मान जी के नेतृत्व में केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार चल रही है, वहां करके दिखा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हरियाणा में भी मौका दीजिए, हरियाणा में केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार बनवाइए। यहां के लिए अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद बाकी 5 साल हम कहते रहेंगे हमारे बच्चों को हम स्कूल में कहां दाखिला दिलवाएं, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। अगर चाहते हो कि आगे आने वाले समय में बच्चों की अच्छी पढ़ाई मिले तो चुनाव में फैसला करना पड़ेगा। और आपका अपने आपके अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की पार्टी झाड़ू पे बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अस्पताल अच्छे मिले तो केजरीवाल जी की पार्टी झाड़ू पे बटन दबाना पड़ेगा। चुनाव में कोई नहीं करेगा, केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं और करके दिखाया है। दिल्ली में, दिल्ली में लाखों लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दिल्ली में रिश्तेदार रहते होंगे आपके, जानकार रहते होंगे, उनसे फोन करके पूछना कि हमारा बिजली का घर का इतने यूनिट बिल आता है, आपका कितने रुपए का आता है उतने यूनिट पे। देखिएगा 200 यूनिट तक के तो फिर आते हैं, और अगर 400 यूनिट भी आ रहा होगा तो आपके बिल से कम आधा नहीं, एक तिहाई बिल आ रहा होगा दिल्ली के घरों में, एक तिहाई। 5 साल अगर आप चाहते हैं बिजली के बिल सस्ते रहे, स्कूल अच्छे रहे, अस्पताल अच्छे रहे, नौकरियां रहे, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए अच्छा काम होता रहे, दुकानदारों के लिए एक ईमानदार सरकार बने जहां का इंस्पेक्टर आके छोटी मोटी चीजों पे भी वसूली ना करे बल्कि मदद करे कि अब व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा, तो केजरीवाल जी को आपको हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को मौका देना पड़ेगा। आज आप अपने आसपास पूछ के देखिएगा, रिश्तेदारों से पूछ के देखिएगा, पूरे देश में स्कूल तो ठीक केजरीवाल जी करा सकते हैं और कोई नहीं कराएगा, अस्पताल ठीक केजरीवाल जी करा सकते हैं और कोई नहीं कराएगा, बिजली के बिल जीरो केजरीवाल जी करा सकते हैं और कोई नहीं कराएगा, महंगाई दिल्ली में सबसे कम है केजरीवाल जी करा सकते हैं और कोई नहीं कराएगा, ईमानदारी की सरकार केजरीवाल जी चला सकते हैं और कोई नहीं चलाएगा। इसलिए मैं हरियाणा के भाइयों बहनों से निवेदन करने आया हूं, केजरीवाल जी जब काम करते हैं इसीलिए मोदी जी घबरा गए उनसे, इसीलिए उनको जेल में डाल रखा है। स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, कोई करप्शन नहीं किया, फिर भी मुझको 17 महीने जेल में डाला। मैं निकल के आ गया हूँ, केजरीवाल जी भी निकल के आएंगे, आपके बीच प्रचार करने भी आएंगे, लेकिन आज मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देश की तरक्की और परिवार की तरक्की स्कूलों से होगी, नेताओं के भाषणों से नहीं होगी।
देश की तरक्की और परिवार की तरक्की अच्छे अस्पतालों से होगी, नेताओं के भाषणों से नहीं होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, इस बार केजरीवाल जी को मौका दें। आपने सबको मौका देके देखा है।